अगर आपके अंदर भी ये 5 बैड हैबिट्स है तो आज ही इसको दूर करें। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो 5 बैड हैबिट्स जिसकी वजह से आपकी एकेडमिक जो है वो डिटोरिएट होती जाती है। नंबर 1, लेट नाइट स्लीपिंग। जब स्टूडेंट्स काफी लेट तक सोते हैं तो वो दिन में वो अलर्ट नहीं रह पाते हैं, वो अपने क्लास को सही से अटेंड नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो डिटोरिएट होने लगती है। वो काफी लेजीनेस फील करते हैं, काफी टायर्ड होते हैं और वो उनको जितना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको जो है अपने स्लीपिंग पैटर्न को सबसे पहले ठीक करना है। नंबर 2, स्टार्ट योर डे विदाउट प्लानिंग। जब आप जो है बिना प्लान के अपने डे को स्टार्ट करते हैं तो फिर वहां पे भी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज कि आपके पास में कोई रूटीन नहीं है, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। और विदाउट रूटीन आप अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि आपका डे कैसे प्रोडक्टिव होना है, क्या चीज आज आपको करनी है, वो काफी अनसिस्टमैटिक होगा, जिसकी वजह से आपको कई तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है और आप टाइम भी सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। आपको ये भी देखना है टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनको पता नहीं होता कुछ काम को अगर 5 मिनट के काम को वो 10 मिनट करते हैं, 15 मिनट लगाते हैं, तो यहाँ पे भी उनकी प्रोडक्टिविटी पे काफी इफेक्ट होता है और इसकी वजह से उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। उन्हें काफी काम जो है वो पेंडिंग में आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे 4, अगर आप सब्सटेंस ले रहे हैं तो आपके लाइफ में काफी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए प्रॉब्लम फाइनेंशियल हो सकती है, ये प्रॉब्लम सोशल हो सकती है, ये वजह से आपकी एकेडमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको ये हैबिट भी जो है वो दूर करना है। नंबर 5, एक्सेसिव यूज मोबाइल और एनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इसका इफेक्ट सीधा हमारे ब्रेन पे होता है और इसकी वजह से हम जब लॉन्ग टाइम तक हम मोबाइल या किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब हम यूज करते हैं तो वैसे में हमें काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक कि हमारी मेमोरी पे इफेक्ट होता है, हमारे कॉन्सेंट्रेशन पे इफेक्ट होता है और उसकी वजह से हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाती है, हमारा डिसीजन मेकिंग जो है वो पुअर हो जाता है। तो अगर आपके अंदर हैबिट्स है तो आपको आज से ही अपने आप में चेंजेस लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप अपने लाइफ में काफी आगे बढ़ सके और आप अपने एकेडमिक अचीवमेंट को और ज्यादा बढ़ा सके। थैंक यू सो मच।